press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में ना एक मिथ क्लियर करूंगा कि क्या आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं चार्जिंग के वक्त। इसी बात को क्लियर करूंगा। इस बात को लेके इंडिया में बहुत मिथ्स है कि यार फ़ोन को चार्जिंग के समय इस्तेमाल मत करो, उस पर ये मत करो, उस पर वो मत करो, नहीं तो फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उतना आगे मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ आज ये बताऊँगा कि आप चार्जिंग के समय इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ, मेरा कैमरा हो चुका है ख़राब और इसी वजह से ऐसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाऊँगा। बट आई विश कि जल्द ही कैमरा ठीक हो जाएगा, पर जब तक आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन से काम चलाना होगा और आई नो आपको समझ ही जाएंगे वाइट बोर्ड एनिमेशन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लास्ट एक ऐसा वर्ड जिसे भाई कोई भी सुने तो घबरा जाए, क्यों? क्योंकि है ही अपने आप में खतरनाक। और अगर यही बात आ जाए कि स्मार्टफोन पे तो और हालत तो ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि आज के डेट में हम में से लगभग सभी कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। बट तो यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि क्या फ़ोन को चार्जिंग के वक्त हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या वो ब्लास्ट कर जाएगा कि नहीं करेगा। उससे पहले मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ। एक बंदा है सीधा साधा, सुबह काम पर जाता है, शाम तक काम करता है, रात को घर वापस आता है। रात को घर वापस आता है तो क्या देखता है कि उसके स्मार्टफोन की बैटरी लो है। अब वो क्या करेगा? क्या वो 2 घंटे जग के वो स्मार्टफोन को चार्ज करेगा और फिर बोलेगा भाई इसे चार्ज होते हैं फिर निकाल दूंगा रख दूंगा? नहीं, वो सिंपली क्या करता है, केबल लगाता है, सो जाता है, सुबह उठता है, केबल निकालता है, स्मार्टफोन डालता है, वापस जाता है। यही पर एक पॉइंट आता है कि स्मार्टफोन रात को फट जाता है? नहीं फटता है। क्यों? क्योंकि अगर स्मार्टफोन अगर 100% चार्ज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है पावर। 100% के बाद फोन स्मार्टफोन पावर नहीं लेता है अडैप्टर से। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में एक रखनी चाहिए। हाँ, बट इसे ये हो जाता है कि अगर आप लंबे समय तक उसे छोड़ दोगे तो उसकी कैपेसिटी पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ड्यूरेशन पे। अगर 10 घंटे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है तो हो सकता है कुछ घंटे कम हो जाए उस वजह से, तो ये अलग बात है। बट एक्सप्लोड नहीं करता है, ये एक बात कन्फर्म है। बट यहाँ कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से फ़ोन ब्लास्ट कर सकता है चार्जिंग के वक्त, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, अगर आप फ़ोन चार्ज करते होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि चार्जिंग के वक्त स्मार्टफोन गर्म हो जाता है थोड़ा, आप जानते ही हैं। और अगर उसी दौरान अगर आप कोई गेम खेलेंगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे स्मार्टफोन में, तो उससे भी हीट बनेगा ही बनेगा। अब जब दोनों कंबाइन हो जाएगा तो वो और ज़्यादा हीट हो जाता है और उस हीट के वजह से फट जाता है स्मार्टफोन। वो सर्किट में गड़बड़ होने की वजह से स्मार्टफोन फट जाता है। यह एक बात जान लीजिए, फ़ोन का टेम्परेचर रेंज जो होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक स्मार्टफोन सह सकता है, उसके बाद वो नहीं सह पाएगा। आजकल के स्मार्टफोन ऐसे आते हैं कुछ कुछ जिसमें टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है या फिर कोई एप्लीकेशन बंद कर देता है वो, जिसकी वजह से वो हीट बन रहा है। दूसरा पॉइंट वो होता है चार्जर की वजह से। अगर आप चार्जर, स्पेसिफाइड चार्जर इस्तेमाल नहीं करते, थर्ड क्लास, लो क्लास वगैरह वगैरह जो भी अनागरा वाला चार्जर आता है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन में तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो कभी भी कम ज़्यादा पावर दे सकता है और आपके स्मार्टफोन के सर्किट को डैमेज कर सकता है। और अगर सर्किट डैमेज होगा तो स्मार्टफोन डैमेज, ब्लास्ट होना ही होना है। दूसरा पॉइंट यही है कि आप एक स्पेसिफाइड चार्जर ही इस्तेमाल करिएगा। अब चलते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। अगर आप चार्जिंग के वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वो फटेगा नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो तो आप उसे छोड़ दीजिए। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके चार्जिंग होने में समय और ज़्यादा लगेगा और इसकी वजह से बैटरी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट ब्लास्ट नहीं करेगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर चार्ज करेंगे तो हीट बनेगा ही, ये तो पहले ही आप समझ चुके होंगे। तो खैर, आपको इस वीडियो में तो पता चल ही गया होगा कि क्या है, आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया हो, पसंद आया हो तो लाइक मार देना, शेयर कर देना और दूसरों लोगों को बताने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक के साथ। दिस इज तुषार रंजन, शाइनिंग ऑफ।